गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में बीएससी फाइनल ईयर एग्जाम 2020 जो एमजीसी यूनिवर्सिटी बीकानेर द्वारा आयोजित किया जा रहा है उसमें मैथमेटिक्स थर्ड यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का जो पेपर है उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो अभी देखो, आज से अब हम बात करते हैं पहले कि पेपर डेट यानी पेपर किस तारीख को है। तो पेपर अपने पास जो मैथमेटिक्स थर्ड यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यानी कि शॉर्ट में गए तो एन ए एंड ओ टी का जो पेपर है वो 5 अक्टूबर 2020 को है यानी कि मंडे को है। कब है? मंडे को। तो स्टूडेंट्स, आज अपने पास अभी हाल ही में डेट हुई है 1 अक्टूबर, फिर 2, 3 और 4 अक्टूबर यानी कि अपने पास देखो अभी 4 दिन शेष है अच्छी खासी तैयारी के लिए। आपने 2 पेपर मैथमेटिक्स फर्स्ट और सेकंड का हो चुका है, कई स्टूडेंट का बहुत अच्छा हुआ है, कईयों का नॉर्मल हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास लास्ट पेपर है और ये अपनी ग्रेजुएशन का लास्ट पेपर है वैसे मैथ में, तो अब जितना जोर होगा वो हम इस पेपर में लगा देंगे। सिंपल ही है पेपर, थोड़ी सी तैयारी की जरूरत है अपने को, तो वो तैयारी अपन इन 4 दिनों में कर लेते हैं। और मैं सब स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, देखो लॉकडाउन में सभी की तैयारी छूट गई थी एक बार, तो अपन उसको रिवाइज कर रहे हैं और मैं आपकी इसी रिवाइज के लिए ही ये क्लास उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो हमारे पास देखो आज 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को हम बात कर, और फिर ऊपर से यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइन दे रखी है पेपर की कि अपने को 4 यूनिट पे ही ध्यान देना है, यानी 1 यूनिट अपने तरीके से अपने छोड़ सकते हैं। तो ऑफिशियली बात है जो हार्ड होगी वो अपन छोड़ देंगे, तो अपने पास 4 दिन है, 4 दिन में अच्छी खासी 4 यूनिट तैयार कर सकते हैं, तो इन बातों की ध्यान रखें। और एक स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही अपनी ग्रेजुएशन हो जाती है उसके बाद करियर में आपको क्या करना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आगे की पढ़ाई अपन किस प्रकार जारी रखें, किस फील्ड में अपने बीएससी करने के बाद अपने को कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं आपको सब उपलब्ध कराऊंगा, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो अब बात आती है अपने 1 अक्टूबर से आज, तो मैं आज लेके चला हूं यूनिट फर्स्ट यानी यूनिट फर्स्ट की तैयारी करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट देखो आज अपन नाइट तक कर लेंगे, तो मैं आपको यहाँ कुछ टास्क दूंगा, उस टास्क को पूरा करना, अपनी यूनिट खत्म हो जाएगी और इजीली अपने नंबर कैरी हो जाएंगे स्टूडेंट। तो एक तो फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे, फर्स्ट यूनिट अपनी है और देखो ज्यादा नहीं पढ़ना, परिमित अंतरकलन। फर्स्ट यूनिट का क्या नाम है? परिमित अंतरकलन। स्टूडेंट्स मैं कहता हूं आप ज्यादा मत पढ़ो, अच्छा पढ़ो। अच्छा पढ़ने का मतलब है जो इम्पोर्टेंट हो वही पढ़ो, अपने को नंबर कैरी करने हैं अभी एग्जाम के में, तो नंबर कैरी करने के लिए आज 1 अक्टूबर को हम फर्स्ट यूनिट लेके चले परिमित अंतरकलन। तो इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सवाल है मैं ये छोटे सवाल कराऊंगा और कुछ टास्क आपको सवालों की दृष्टि से मैं दूंगा। यदि किसी स्टूडेंट से वो सवाल नहीं होते तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए कि सर ये सवाल नहीं हुआ, मैं उस सवाल का आपको आंसर के साथ क्लास उपलब्ध कराऊंगा। और कईयों ने मेरी जो पहले की पूर्व की अपनी क्लासें थी इस पेपर से रिलेटेड वो नहीं देखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, सभी क्लासें आपको लिंक पे दी गई है, तो आप वहां से देख सकते हो, तो ये भी ध्यान रखना। तो मैं यहां से आज परिमित अंतरकलन की बात करते हैं, तो देखो मैं यहां तो कुछ सवाल ही करा पाऊंगा क्योंकि सारा संभव नहीं है, लेकिन जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो मैं उनपे आपको क्लास दे सकता हूं। तो देखो इससे अपने बात करते हैं परिमित अंतरकलन। तो सबसे पहले बात आती है संकारकों की, संकारक, तो इसमें विस्थापन संकारक है, तत्समक संकारक है, अंतर संकारक, जितने भी संकारक है उनकी डेफिनेशन आपके सर ने लिखाई होगी, बुक के अंदर है, आपके पास जो भी सामग्री है, नोट्स है, जिसमें भी है, संकारकों की जितनी भी डेफिनेशन है वो एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छे से। देखो गणित है, यहाँ सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं कहता हूँ 4 दिन है, 4 दिन में आपकी 4 यूनिट पूर्ण रूप से तैयार कराने की गारंटी मैं लेता हूँ,
तो आप ये भी ध्यान। फिर देखो संकारकों की डेफिनेशन पढ़ने के बाद पर इससे रिलेटेड सवाल किस प्रकार के आते हैं, तो देखो मैं एक सवाल लेता हूं बहुत इजी से है। यदि चर एक्स में वृद्धि की राशि h हो तो e क्यूब x साइन x का मान ज्ञात कीजिए। मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी कि इसका ज्ञात करना है तो अपने को विस्थापन संकारक जो डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर है उसके बारे में ध्यान होना चाहिए। तो देखो जनरली अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें यहां पे आपके पास क्यूब ले रखा है इसने एक्स साइन एक्स, तो ये है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ई स्क्वायर ई एक्स साइन एक्स, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच। फिर हम इसको एक बार और डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो यहां हो जाएगा एक्स प्लस टू एच एक्स प्लस टू एच। फिर यहां ई के साथ और डिस्प्लेस करेंगे इसी प्रकार क्यों, क्योंकि देखो विस्थापन संकारक किस प्रकार होता है ई एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स प्लस एच में ये एक वृद्धि हो जाती है, तो इसी का पालन करते हुए मैंने ये आंसर लिया है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अपन इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। फिर देखो एक प्रश्न और लेता हूं मैं, यदि चर एक्स में वृद्धि की राशि एच बराबर टू हो तो ई स्क्वायर एक्स क्यूब का मान। देखो यहां वृद्धि की राशि आपको डिजिट के अंदर भी दी जा सकती है, नहीं हो कहीं स्टूडेंट कहते हैं एच में दी जाती है, नहीं ये आपको डिजिट के रूप में भी दी जा सकती है, तो आप इसको डिजिट के रूप में भी हल करेंगे। और एक बात मैं बता देता हूँ आपको, पहली जो अपनी प्रश्नावली है न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक कौन सी होगी, जो संख्यात्मक विश्लेषण की आपकी जो बुक है उसके अंदर जो पहली एक्सरसाइज है उसी को अपने को करना है आज के पूरे दिन में। आपको कोई भी सवाल डाउटफुल लगता है तो आप मेरे को वो मैसेज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं आपके सोल्व करने के लिए एनी टाइम तत्पर रहूंगा। और रही बात, आप मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी मेहनत भी होनी चाहिए, तो मेहनत करते रहो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। नंबर अपने को कैरी से ज्यादा कैरी करने ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे देखो इसको किस प्रकार करेंगे, तो यहां देखो ई स्क्वायर एक्स क्यूब, तो यहां क्या हो जाएगा ई ई एक्स क्यूब, तो यहां से मैं ले लेता हूं क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच का क्यूब। एच का मान कितना दे रखा है, दो दे रखा है, तो एक्स प्लस दो की पावर क्यूब, तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी। फिर बात आती है अगली बात, फिर एक बार डिस्प्लेस और करते हैं, तो डिस्प्लेस करने पे ये कितना हो गया x प्लस चार का क्यूब, तो देखो x क्यूब प्लस बारह एक्स स्क्वायर प्लस अड़तालीस एक्स प्लस फोर का क्यूब चौसठ,
तो ये इसका आंसर है, हो गया। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि किसी को नहीं समझ में आता तो आप मेरे को कमेंट में लिख दीजिए, सर ये किस प्रकार बात समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझाने के लिए तत्पर हूँ। और कोई भी सवाल इस एक्सरसाइज में जैसे अभी हो नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और स्टूडेंट्स आपकी मैं ये चाहे तो क्लास भी लगा सकता हूँ, तो आप मेरे को कमेंट में वो भी कह सकते हो कि क्लास लगाने के लिए, तो भी मैं लगाने को तत्पर रहूंगा आपके साथ। इसी के साथ देखो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर आ जाता है मान ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द वैल्यू। तो वो क्या है, जैसे सपोज करो अपने पास आ गया, तो ये संकारक हो गया अग्रांतर यानी फॉरवर्ड संकारक या फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो फॉरवर्ड ऑपरेटर की डेफिनेशन से अपन इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा लॉग एक्स। तो ये हो गया लॉग एक्स एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स। तो हम इस लॉग के डेफिनेशन से क्या जानते हैं, ये हो जाएगा एक्स प्लस एच अपॉन एक्स। तो ये हो गया लॉग वन प्लस एच अपॉन एक्स। तो ये इसका आंसर है, हो जाता है। तो अपन इस प्रकार से भी दे सकते हैं। तो फॉरवर्ड संकारक का देखो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो ये अपन इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार देखो एक सवाल और लेता हूं मैं। फाइंड आउट द वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए। यहां पे अपने को दे रखा है, जैसे सपोज करो टेन इनवर्स एक्स का अपने को ऑपरेटर फॉरवर्ड ऑपरेटर की सहायता से सॉल्व करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब यहां पे अपना फॉर्मूला बात आती है। देखो यहां मैंने पहला फॉर्मूला तो कौन सा लगाया, फॉरवर्ड ऑपरेटर का एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। दूसरा अपने को यहां टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी ये लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए माइनस बी वन ए प्लस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी अपन यहां यूज करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स प्लस एच एक्स। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एच अपॉन वन प्लस एक्स एच प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास हो गया इसका आंसर। तो इसी प्रकार से हमें इस यूनिट को तैयार करना है। आज आपके पास पूरा दिन पड़ा है आराम से, तो इस प्रश्नावली को कीजिए। कहीं भी आपको डाउट होता है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए। और कॉन्टेक्ट करने के बाद आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मेरे को व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। उन व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट करके इनके आंसर प्राप्त कर सकते हो। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। और तैयारी करते रहो। इसी के साथ थैंक यू।